वेलकम टू अग्रम डेयरी फार्म चैनल। आज मैं आप लोगों को मुंबई से आई हुई एक वीडियो बतला रहा हूँ और ये लाइव शूट किया गया रईस अंसारी भाई करे, तो इनका एक चैनल भी है। सारी डिटेल देखिए आप रईस भाई की आवाज़ के अंदर, मैं कम्प्लीटली बतलाऊंगा। अभी हम हैं लिमरा फीड एंड लाइव स्टॉक पर नागपाड़े में। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो उवैस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह करम। आज पहली बार अपने चैनल पे वीडियो आ रही है आपकी? जी भाई। जी जी, आप जानना चाहेंगे आपके जो लिमरा का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या चीज़ आप सेल कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? कॉन्सेप्ट भाई अपना ये है कि भाई अपना जो नाम है लिमरा फीड एंड लाइफ स्टॉक, लोगो है जिस हिसाब से मैं सब जानवर भी दिखाए गए, और मेन तो उन लोगों की फीड का सेटअप था। फीड तो नहीं हो पाई भाई, लेकिन जानवर अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अपने आते रहते हैं। फीड्स में बकरियों के लिए ए टू जेड सोल्यूशन है, उसका ग्रूमिंग बोलो या फिर उसकी एसेसरीज़ बोलो, उसका फीड्स बोलो, सप्लीमेंट्स बोलो, बकरे के लिए ए टू जेड चीज़ अवेलेबल है। और बाकी जो जानवर आते जाते रहते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर मुर्गियाँ हैं, बिल्ली है, और जो अपना बड़ा बकरा अपना ये जो पिछले हफ्ते ये गोट्स वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर जो शूट हुआ था, ये वही वाला बकरा है भाई। अच्छा, कलर का एकदम रुबाबदार कोटा है, गरम भी है, अच्छा कलर का बादशाह है एकदम। 90 केजी है, फ्रेश 8 दांत है। ये 90 केजी पर है भाई? हाँ भाई, 90 केजी पर है। सो इस भाई ज़्यादा डिटेल नहीं पूछूंगा, आप क्या डिमांड करें सिर्फ इतना बता दीजिए। 50,000 प्लस। तो 50,000 के नीचे है तो ज़्यादा लोग उम्मीद ना करें। जी बिल्कुल, जो भी अपना ऑफर बिंदास फ़ोन करके देवे। अच्छा, देखेंगे इंशाल्लाह। और इसका वीडियो अगर पूरा देखना है डिटेल के साथ तो वो गोट्स वेल चैनल पे देख लेंगे भाई। ओके ओके, स्लोमो वगैरह भी शूट हुई है, बकरा पूरा खेल रहा है, कूद रहा है, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अपनी कैट्स है भाई, ये फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, 1 लीटर हो चुका है इसका। और मतलब इसके फीमेल की खासियत ये है ना भाई, जैसा मेल रहता है ना वैसे ही बच्चे आते हैं। अच्छा, जैसा मेल रहेगा। इसका लास्ट टाइम का रिजल्ट मैंने खुद देखा हो, फुल वाइट बच्चा था विद ब्लू आइस, क्योंकि मेल वैसा लगा था। 4 बच्चे दी थी लास्ट टाइम। फिर नीचे 2 हिमालयन है, मेल फीमेल का जोड़ा है, और साथ में एक नॉर्मल पर्शियन है। बताइएगा आपने ये पर्शियन कैट्स के प्राइस अंदाज़ा क्या आसपास के रेंज के, कहाँ से चालू कहाँ तक? 5,000 से लेके 9,000 के अंदर ही अपन काम करते हैं हमेशा, कि चीज़ क्वालिटी में भी रहे और बजट में भी रहे भाई। जी ओके ओके। और फिर फीड्स में बकरों की फीड्स अगर स्टार्ट करे हुए तो अपने पास ए टू जेड चीज़ें, अनाज, हरी पत्ती, मिक्स फीड, और ये पैलेट फीड भी है। पैलेट फीड असल में इसी की है ये। अच्छा, इसी की पैलेट्स? हाँ, में बनाया हुआ। हाँ, उसी के पैलेट्स बनाया हुआ है। तो इसके फ़ायदे क्या है, ये क्या क्यों बनाया है? हाँ, मिक्स फीड एक कंप्लीट डाइट है बकरे के लिए, कि अगर आप किसी को मतलब बकरे को कुछ और नहीं दे रहे हो, खाली ये दे रहे हो, या नॉर्मल खाली बकरा एक टाइम ग्रेज कर रहे हो, बकरा चरा रहे हो, एक टाइम ये देंगे तो वेट गेन बहुत अच्छा आएगा। तो ये शेप में देने का क्या रीज़न है? ये शेप में कि भाई इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड रहती है, बकरे को डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। जैसे अगर आप ये ले लो और ये ले लो, दोनों में फ़र्क आपको दिखेगा। जी, ये अंदर जाने के बाद, मुंह में जाने के बाद मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, और इसके ऊपर चबाने में मेहनत लगेगी, डाइजेशन इसका आसान रहेगा, इसका डाइजेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये पाउडर करके फिर वो शेप में दिया गया है। अक्खे दाने में कभी कभार ब्लोटिंग का इशू हो जाता है, बकरे को जो गैस चढ़ जाती है, या बकरा मुँह से अक्खा अनाज वापस फेंकता है, वो सब इंशाल्लाह इसमें नहीं होगा। फिर चुन्नी जो बोलते हैं, ये चने की चुन्नी है, क्वालिटी वाइज बेस्ट में बेस्ट है भाई। अच्छा, इसमें मैदा नहीं आएगा। देखो मेरे हाथ पे ज़्यादा पाउडर नहीं बच रहा है जी, वरना पूरा हाथ वाइट हो जाता है। ये चने की चुन्नी है। हाँ, प्राइस भी ओपन करते रहे। प्राइस मेरा 30 रुपीज़ है भाई, यहाँ का रिटेल। ये 30 रुपीज़ है? हाँ जी। ये भी 30 है, मकई की चुन्नी है, मकई चुन्नी। बाजरा 28 से है। ओके, और जौ है ये जो। फिलहाल अभी इसमें आग लगी पड़ी है, 40 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, भाव बढ़ा हुआ है जी। हरी पत्ती ये क्वालिटी मेरे पास रहती है, इसको डबल फिल्टर बोल दो या सिंगल फिल्टर बोल दो, आपके ऊपर है, मट्टी नहीं आती है, बकरे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, इतना है कि अपने यहाँ की हरी पत्ती रहेगी तो बकरे उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, पूरा खींच के खा लेंगे। ओके, और इसमें प्राइस काफ़ी अप डाउन चलता है?
अप डाउन चलता है। फिलहाल ये सीज़न में पिछले साल हरी पत्ती का भाव 26 रुपये चल रहा था, लेकिन ये साल 2022 में ये टाइम पे हरी पत्ती का भाव 32 चल रहा है। 32 चल रहा है। प्राइसिंग में फ़र्क इस वजह से आया है कि राजस्थान में दो हफ्ते पहले बारिश हुई है, बारिश की वजह से पत्तियाँ झाड़ पर लगे लगे ही काली हो गई है। तो ये रीज़न है जो हर जगह पे प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ गया है भाई, क्योंकि जहाँ से पैदा होती है वहीं पर मसला हो गया है, तो फिर ट्रांसपोर्ट में तो अलग और बढ़ेगा ही पैसा जी। इसीलिए क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज, प्राइस थोड़ा सी अप डाउन होएगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी मेरे यहाँ की एक नंबर रहेगी भाई। अच्छा ओवेस भाई, ये कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है, हर जगह नहीं दिखती, ये क्या चीज़ है भाई? ये मिक्स फीड है अपने पास। अच्छा, कि अपन ने मिक्स फीड में लोगों के लिए दो ऑप्शन रखे, एक तो नॉर्मल मिक्स फीड है जी अनाज वाली, और ये ऑयल बेस्ड मिक्स फीड है। अच्छा, इसमें भी जो अनाज देखोगे थोड़ा सी मैश फॉर्म में कर दिया है, राइट, मैश फॉर्म हो गए है, और जो पीलापन आ रहा है वो राई के तेल की वजह से आ रहा है भाई। अच्छा, राई का तेल भी डाला हुआ है। हाँ, तेल डाला हुआ है तो उसकी वजह से पीलापन आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका भी लोगों को। अच्छा। और इसमें गुड़ वगैरह भी है, इसकी खुशबू एकदम मीठी है। प्राइसिंग अपने यहाँ मिक्स फीड की गोनी 1250 रुपया 25 kg का बैग है भाई। 25 kg, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा इसका भी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो रिजल्ट मेरे को मिला है पिछले महीने, अच्छा, एकदम खास, जिससे मैंने मालूम किया हो, बंदे को 8 kg आया। 8 kg का आया? 8 kg आया। और ऐसा भी मतलब नॉर्मल बंदा नहीं है, खाली हवा में दे रहा है, बंदा नया सेटअप डाला है, पलाई के बकरे रख रहा है। अच्छा। उन लोगों को खिला रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। जी जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी आएगा मेरे। अच्छा। ही पेज पे आएगा वो, ठीक है। और दूसरा मकई के टुकड़े, बहुत प्यारी कटिंग में है भाई, एकदम सोने के टुकड़े के माफिक है जी। ये 32 का भाव है। चने नॉर्मल जो बनी है यहाँ पर जो लोग खाते हैं, सेम वही क्वालिटी में चने 65 rupees पर केजी। ओके। घोड़ा ज़ीरा जो ज़्यादातर पतीरा हैदराबादी बकरे खाते हैं, इसका भी रेट काफ़ी हाई, 30 के अंदर अंदर रहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसका 40 का भाव चल रहा है। अच्छा, ये देखो। उसके बाद है मेथी, मेथी दाना जो बकरों को ज़्यादा नहीं देते, बस समझ लो ना एक आधी मुट्ठी भी खिला दिए तो काफ़ी रहता है। अच्छा, मार्केट प्राइस इसका 140 rupees चलता है, मैं यहाँ से लेकिन 100 rupees से बेच रहा हूँ। 100 rupees पर केजी के पर केजी। अच्छा, कोई 1 kg भी लेगा तो हम दे? हाँ भाई, 100 rupees से ही। ओके, फिर ये हो गई फीड की कहानी पूरी ख़त्म जी। यहाँ से फिर अपने पास बेल्ट है जी, LED रोप बेल्ट, बेल्ट विथ लेस बेल्ट, बॉडी बेल्ट पीछे भाई। अच्छा। ये फर बेल्ट है, घुंघरू बेल्ट है, स्टड बेल्ट, और ये पायल है, और एक नई चीज़ ये आई है अपने पास, हुक विद भंवर कड़ी। पहले भंवर कड़ी खाली अलग आती थी ऐसे। हाँ, ये सिंगल भंवर, अभी ये हुक के साथ है, यहाँ नीचे रस्सी बांध दिए और बकरे के गले से बेल्ट से डायरेक्ट निकाल दिए, तो ये आसानी रहती है, आसानी होती है, और जब बकरे को लगा तो मूविंग के लिए भी काफ़ी अच्छा। हाँ, बकरा इसमें पूरा घूम सकता है, पूरा 360 रोटेट हो सकता है, उसको फांसी नहीं लगेगी इससे। प्राइसिंग ऑल ओवर मुंबई बहुत सस्ते में मिलेगी। लेग बेल्ट भी दो किस्म के, एक नायलॉन वाला है, एक लेदर में है भाई। फिर यहाँ पर बॉडी बेल्ट स्टार्ट होते हैं। बॉडी बेल्ट दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल है, क्वालिटी अच्छी है इसकी भी, लेकिन ये उतना कड़क नहीं रह पाएगा जैसे ये, इसमें जो कड़क है जी। और प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 160 है, ये 190 है। और फिर ये ऑल टाइम फेवरेट के बकरों को नज़र नहीं लगे हुए, हा वाली माँ, हा वाली माँ, ये नॉर्मल है और ये विद घुंघरू है। अच्छा, नॉर्मल वाली 180 की है, विद घुंघरू 250 की है, क्योंकि वजह यह है पित्तल के घुंघरू है, हैवी क्वालिटी में। अच्छा, पित्तल के घुंघरू जी। तो उसके बाद बेल्ट से नॉर्मल, ये एक 70 वाला है, ये 90 वाला है, और ये ब्लू वाला 100 है। ओके, तीन साइज है, तीनों का अलग अलग पैसा है। और सबसे लोएस्ट जो अपने पास बेल्ट है वो ये 50 वाला, छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, तो अपने बेल्ट में एक खासियत ये भी रहती है भाई कि यहाँ पर स्टॉपर लगे रहता है बराबर, और लीड्स लगे रहती है कि वो धागा खुल के उसको ख़राब होने का चांसेस बहुत कम रहता है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्टॉपर, हाँ, ये दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है बोल सकते जी। और ये जो पट्टे रहते हैं अपने, सिंगल पट्टे में नहीं रहते, डबल पट्टे में बेल्ट बनते हैं। अच्छा, अच्छा थिकनेस है फिर इसका जी, थिकनेस अच्छा हो जाता है तो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और सबसे अच्छा इसमें मेरी कलर भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं जी, मल्टी कलर, मल्टी कलर आते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना खुर कटर, जिसे आप देखोगे इसमें, ये खुर कटर, ये एक पीस मैंने खोल के रखा हूँ शो के लिए।
जी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाहर इसका प्राइस थोड़ा सी हाई चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ पर 350 रुपीस का है, 350 रुपीस। और कोई बाहर मंगाएगा तो कुरियर चार्जेस अलग रहेंगे भाई। भाई ये चीज़ इसका धार काफ़ी डेंजर दिख रहा है। हाँ भाई धार में बहुत अच्छा है, कड़क से कड़क काट लेता है वो, काट लेते हैं हाँ। और फिर दूसरा ये ड्रेंचर है, ये मैं यूज़ करता हूँ, अपने स्पेक भी है। अच्छा नहीं वाला 550 रुपये का है, 50 ml का है। ड्रेंचर तो बहुत है मार्केट में, लेकिन अपने यहाँ की खासियत ये है, जैसे आपके पास 5 बकरे हैं, आपको आपने 10 ml के ऊपर लॉक कर दिए और एक एक बकरे को बारी बारी पिला सकते हो। अच्छा तो डबल लॉकिंग सिस्टम देना चाहे उतना जाके वो लॉक हाँ, हो जाएगा। और ये इसके डंडी के ऊपर भी लिखा है और यहाँ ऊपर एम्ब्रेस करा हुआ है। पहले जो आता था ना भाई वो छपा हुआ रहता था, जो मीडिया आता था, लेकिन इसमें डबल है, अंदर भी ml लिखे हुए हैं। ओके हम जितना ml देना चाहे उतना लॉक कर दूँ। ये मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और गारंटी के साथ चीज़ बहुत अच्छी है जी। फिर दूसरी बात आता है अपना ग्रूमिंग, और नॉर्मल रस्सी है भाई, 3 टाइप की अलग अलग रस्सी है, 15 रुपया 20 रुपया मीटर जैसी भी रहती है, क्वालिटी चेंज होते रहती है जी। फिर ये ग्रूमर है बकरे लोग को घसने के लिए, ब्रश है, फिर ग्रूमिंग के लिए दूसरी चीज़ जो बकरे लोग को नॉर्मली पेशाब का कलर लग जाता है जो निकलता नहीं है हाँ पूरा पीला, खास निकालने के लिए ये चीज़ है भाई जी। ये शैम्पू से पूरा पीलापन पेशाब का निकल जाता है। ये शैम्पू का क्या प्राइस है भाई? ये इसके ऊपर MRP 250 की है, लेकिन अपने यहाँ से रिटेल रेट 180 रुपीज़ है भाई। अच्छा 180 जी। फिर उसके बाद अंदर आ जाते हैं, लिवर टॉनिक्स है, ब्रोटॉन है, और ये एक प्रोडक्ट है मल्टीफोटेक्स जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है कि आप कैल्शियम अलग पिलाओगे और फिर अपना लिवर टॉनिक अलग पिलाओगे और फिर अपना वायमिरल विटामिन के लिए अलग चीज़ दोगे, तो ये ऑल इन वन है, खाली ये पिलाएंगे तो कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 350 रुपीज़ का 1 लीटर पड़ता है भाई ये। अच्छा फिर उसके बाद ये खाली कैल्शियम है जो के है अपना मैंगो फ्लेवर में, अच्छा बकरे पीने के लिए जो नाटक करते हैं ये उसके लिए बहुत अच्छा ये रास्ता है। फिर मल्टी स्टार ऑल टाइम फेवरेट ऑस्ट्रोवेट, इस सब के बारे में डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस वायमेरल, ये लिव 52 लिवर टॉनिक। उसके बाद अपने पास ये जो कैल्शियम है जिसके पास बकरियाँ ज़्यादा है और वो ब्रांडेड आइटम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए कम पैसे में, तो अपने पास तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ है भाई। प्राइसिंग कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं है इस वजह से, लेकिन रिजल्ट इसका भी बहुत अच्छा है। ये 5 लीटर 550 रुपये का आएगा भाई। अच्छा तो काफ़ी अच्छे प्राइस में है, काफ़ी अच्छे प्राइस में है, और हर्बल चीज़ें इसमें बहुत अच्छी एडेड है। अच्छा रिजल्ट वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर रखता हूँ जी। फिर उसके बाद आता है ब्लॉक्स पे, ये है अपना आयोडीन नॉर्मल सेंडा नमक जिसको बोलते हैं, ब्लैक सॉल्ट कैल्शियम मिनरल मिक्सचर और अपना ये सल्फर ओके, और फिर ये प्रोटीन ब्लॉक। छोटे छोटे जो 1 किलो वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं ना भाई, अपने पास 95 रुपीज़ के, और ये बड़ा वाला 210 का है, ये 2 किलो का है। ये एक्चुअली नमक जो ब्लॉक होता है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें से कई एक आधा कुछ जैसे लाइक ये देखो भाई डाइजेशन हाँ ये भी डाइजेशन, ये डाइजेशन प्लस शाइनिंग, ये कैल्शियम ओके, और ये ठंडियों में ज़्यादा चलता है कि बकरे पानी वगैरह नहीं पीते, मिनरल्स लोग को नहीं पहुंच पाता है, तो ये मिनरल का है बराबर। सल्फर बकरे और बकरियों के पेट में जो कीड़े रहते हैं वो डिवॉर्मिंग से भी साफ़ नहीं हो रहे हैं, ये दवा उतनी काम नहीं कर रही है, तो उसकी जगह ये काम करता है जी सल्फर। और प्रोटीन, जहाँ पर हरा चारा ज़्यादा नहीं मिल पाता है, प्रोटीन लेवल कम है, बकरा खाने पीने के बाद भी रिजल्ट नहीं बता रहा है, तो प्रोटीन वहाँ काम करेगा भाई। अच्छा तो अवैध भाई जैसे कि आपने बताया कि बकरों को लेके जी सारी चीज़ मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपने बता दिया। अच्छा इसके बाद ये फिशेस का कुछ पीछे फिश टैंक्स भी रखे हैं इधर पीछे। हाँ भाई पहले अच्छा सेटअप बड़ा था, थोड़ा कम हो गया है। अच्छा इंशाल्लाह और नया लॉट आएगा। तो ये सेल के लिए है क्या? हाँ भाई कोई लेना चाहेगा तो दे देंगे। अच्छा ये पर पीस क्या है? बेटा फिश है ना? हाँ बेटा है भाई, थोड़ा सी कंडीशन अभी डाउन हो गई है, उतना हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे इस वजह से जी। ये पर पीस अपने यहाँ से 200 रुपये सेल होती है भाई, 200 रुपीज़ पर पीस से। 200 रुपीज़ पर पीस ओके जी। सो उवैध भाई ये जो अपना शॉप है जी, ये वीक में कौन कौन से डे में अवेलेबल ओपन होता है?
सेवन डेज चालू रहता है भाई, बंद नहीं होता। सेवन डेज चालू होता है, और कोई डेज के लिए ऐसा टाइमिंग है कि ये डेज में ये टाइमिंग? खाली बस फ्राइडे को दोपहर में 3:30 बजे चालू होती है, जुम्मा भर। हाँ, बाकी रोजाना 12 बजे से लेकर रात में। अच्छा, संडे भी ओपन होता है अपना? हाँ भाई, संडे भी ओपन रहता है। अच्छा, इसमें बाकी जितनी भी चीज़ें अंदर है जी, वो हमने यहाँ पे देख लिए। हाँ भाई बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अभी कुछ बचा है क्या? ऑलमोस्ट सब हो? नहीं भाई, फिलहाल कुछ नहीं बचा है जी। जी, ये एक बिल्ली बची है खाली। अच्छा, तो जैसे कि बिल्ली की बात बताए हमने जी, अनाज कोई आपसे दूर तो ले नहीं पाएगा दूर। अगर बिल्लियाँ का कुछ ऑर्डर है आपका कैच का, तो आप ये ट्रांसफ़र करके ट्रांसफर? हाँ भाई, अगर ट्रांसपोर्ट का वो पॉसिबल रहा, मतलब ट्रांसपोर्ट का जो ख़र्चा मैं बताऊँगा वो लोग सामने वाला बेयर करेगा, तो मैं भेज दूँगा। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हो इस भाई, जज़ाकअल्लाह टाइम देने के लिए। जज़ाकअल्लाह कहते हैं।